वार्ड नंबर 45 में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। वार्ड के हर व्यक्ति का हो टीकाकरण, पार्षद बीना टाक ने लगवाया शिविर। वार्ड संख्या 45 में पार्षद बीना टाक व उनके पति कांग्रेसी नेता बाल मुकुंद टाक के द्वारा कोरोना टीकाकरण के लिए लगाए गए शिविर का शुभारंभ वरिष्ठ होम्योपैथि चिकित्सक डॉक्टर आलोक वर्मा के कर कमलों द्वारा किया गया। एक दिवसीय कैंप में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने टीकाकरण कराकर शिविर का लाभ उठाया। कैंप में मेडिकल स्टाफ से डॉक्टर सिंधे स्वाति, डॉक्टर रूपचंद यादव, डॉक्टर संगीता व नर्सिंग स्टाफ से जस्सी वर्गीस माणक आदि ने सेवाएं प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विजय जैन व अति विशिष्ट अतिथि बाल मुकुंद टांग, प्रदीप पछावा, पिंकू, मनीष सेन, सूरज प्रकाश, भगवती प्रसाद, नोएल मंगल के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। कैंप है आज हमने वैक्सीनेशन का कैंप रखा है वार्ड 45-46 का। हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे और हर एक गली मोहल्ले में हमारे जो लोग हैं वो COVID-19 के चलते जो महामारी फैली हुई है और इसकी गति जितनी तेजी से चल रही है, जिस गति से चल रहा है, हम चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मिले, वो सुरक्षित रहे। इसके चलते हमने यही, ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने वार्ड में ही कैंप आयोजित किया है। और हमारा देह है जो स्वस्थ भारत मिशन, जो हमने एक हमारे प्रधानमंत्री सोच है और निरोगी राजस्थान जो हमारे मुख्यमंत्री की सोच है, उसको आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित हो और प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो, इन्हीं योजनाओं को लेके चलते हुए हम पार्षद भी, अपनी पार्षद पति होने के नाते अब बीना टाक जी के सानिध्य में हम भी अपनी पूरी जिम्मेदारी करते हुए जनता को यह चीज़ वार्ड में उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वो सुरक्षित हो और उसके परिवार से सुरक्षित हो और निरोगी रास्ता बनाने में हमारी अहम भूमिका हो। इनकी इसी चीज़ अन्य चीज़ों के साथ हमने ये कैंप आयोजित किया है। कहाँ लगाया कैंप? इसका उद्देश्य 45 में पार्षद कार्यालय पर लगाया गया है और